हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका कोर्स कंटेंट है। फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं हीट। हीट क्या है? हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और इट्स सराउंडिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर, सराउंडिंग पे जो डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर का, वो हीट से किया जाता है। नॉट ओनली दैट एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज द हीट। तो हीट को हम मेजर कर सकते हैं जूल के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है एनर्जी की, चैप्टर हम 6 के अंदर वर्क एनर्जी पावर के अंदर पढ़ते हैं कि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होती है, कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है, किलो दैट इज इन 1000 टाइम्स, है ना। तो जूल कैलोरी और किलो कैलोरी के अंदर हम हीट को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, इसकी यूनिट होती है। हीट के बारे में बात करी, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर क्या है कि जितना उसका तापमान है, मतलब कहने का मतलब डिग्री है, तो किसमें मेजर करेंगे, डिग्री में। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री, किसकी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है और कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो आपकी डिग्री है, कितना ठंडा है कोई ऑब्जेक्ट, कितना गर्म है कोई ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना गर्म है, कितना हॉट है कोई ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में कितना ठंडा है, उसकी जो डिग्री है वो आपको क्या बताती है, टेम्परेचर बताती है। हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने चाय बनाई और चाय के अंदर, टी के अंदर शुगर ऐड करी, फिर थोड़ी और शुगर ऐड करी, फिर थोड़ी और शुगर ऐड करी, तो जैसे जैसे मैं शुगर को ऐड कर रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी मिठास, उसकी स्वीटनेस बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। तो हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? जैसे शुगर एंड स्वीटनेस, जैसे जैसे आप शुगर को ऐड करेंगे वैसे वैसे स्वीटनेस ऐड होगी, वैसे वैसे हीट को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर भी उसका बढ़ता जाएगा। आगे बात करते हैं ऐसा यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। ऐसे तो आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में, रूमर्स टेम्परेचर पैमाने पर, डिग्री सेंटीग्रेड पर, केल्विन पर, है ना, और फारेनहाइट पर मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट की जब भी बात की जाती है तो ऐसा यूनिट क्या काउंट होता है, केल्विन। लेकिन सम टाइम कॉमनली यूज फारेनहाइट, सेल्सियस और रूमर अनदर। तो चार तरह के स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि फिनोमिना है इन विच नेचर विच टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज टेकन एज अ रेफरेंस। एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर, उसको रेफरेंस लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट को नापना ही तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। फॉर द डेफिनेशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्केल टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट आर नीडेड। जैसे कि द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट ऑफ द वॉटर आर टू कन्वीनियंट फिक्स्ड पॉइंट्स दैट आर नोन एज द फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कि जिस पर पानी बर्फ में बदल जाता है या जिस पर पानी उबलने लग जाता है, दैट इज द फ्रीजिंग एंड दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। दिस टू पॉइंट आर द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीज। जो प्योर वाटर है वो जमने लगता है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, और प्योर वाटर उबलने लगता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, टेकन एज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आगे बात करते हैं कि स्टैंडर्ड और एब्सोल्यूट। देखिए सेल्सियस, यहां पर हमने सेल्सियस लिया, फारेनहाइट लिया, केल्विन लिया। फ्रीजिंग पॉइंट पर बात करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने के ऊपर पानी बर्फ में बदल जाता है, 32 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर और 273.515 केल्विन पर बर्फ में बदल जाता है। इसी तरीके से बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, आपको पता है सेल्सियस पैमाने पर, 212 डिग्री फारेनहाइट पर ये किसमें बदल जाएगा, बॉयल होता है, और 373 केल्विन टेम्परेचर स्केल के ऊपर ये बॉयल होने लग जाता है। तो ये इसके इक्विवेलेंट कुछ वैल्यूज हैं, नेचुरल फिनोमिना इन डिफरेंट स्केल। तो जो अभी अभी बात करी अपन ने, उसको टेबुलर फॉर्म में शो किया गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फारेनहाइट के अंदर, केल्विन के अंदर, है ना, नंबर ऑफ डिवीजन 100 लिए हैं स्केल के अंदर, इसमें 180, 100, इसकी यूनिट सी यानी सेंटीग्रेड, फारेनहाइट एंड
केल्विन होती है। अब बात करते हैं इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए आप ध्यान रख सकते हैं सी माइनस जीरो अपॉन 100 जो हमने वो स्केल का डिवीजन किया वहां से निकाला, एफ माइनस 32 अपॉन 180 डिवीजन है ना, ये देख लीजिए 180 डिवीजन है, जीरो 100 डिवीजन है। हम डिस्कस कर रहे थे स्केल के रिलेशन के बारे में, तो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द टू फिनोमिना। दो फिनोमिना कौन से हो सकते हैं, बर्फ का पानी में बदलना है ना, या पानी का बॉइल होना। तो सी माइनस जीरो, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जो क्या होता है वो वाटर जो प्योर वाटर है कन्वर्ट होता है फ्रीज के अंदर यानी बर्फ के अंदर सॉलिड फॉर्म में अपॉन 100 डिवीजन, एफ माइनस 32 अपॉन 180 डिवीजन, केल्विन के माइनस 273.15 अपॉन 100, ये सब क्या होता है कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन जो प्रेशर पी, टेम्परेचर टी और वॉल्यूम वी ऑफ किसी गैस की जो इक्वेशन होती है किसमें रिलेशन बताती है, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में किसी भी गैस का जो रिलेशन बताती है वो आइडियल गैस इक्वेशन है। तो दो गैसेज विच फॉलो द गैस इक्वेशन आर कॉल्ड द आइडियल गैस, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गैसेज बिहेवियर वेरीज, सच गैस इज कॉल्ड रियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर म्यू आर टी, बहुत सी किताबें लिखती है इसको पीवी बराबर एनआरटी, तो दोनों ही सेम है ना, पी आपका प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, आर आपका कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट कहलाता है, टेम्परेचर केल्विन के अंदर दिया जाता है, इसको सेंटीग्रेड में बदलने का ये रिलेशन है ना, तो टी की वैल्यू सेंटीग्रेड में आ जाएगी जब इस केल्विन को 273 में एड कर देंगे। नाउ कुछ एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी मटेरियल इस दुनिया के अंदर इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है और उसको आप डिफॉर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो अपने शेप में परिवर्तन देखने को ला रहा है, तो उस परिवर्तन को कैसे क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल यानी जो हीट एनर्जी से जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके शेप में बढ़ोतरी हो रही है या घट रहा है, डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, उस एक्सपेंशन को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसका क्या मतलब है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी अकंपनी चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है वैसे वैसे उस बॉडी के शेप में भी चेंज देखने को मिलता है। ये तीन तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है लीनियर, एक होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो लीनियर फॉर्म में होते हैं सीधे होते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक वायर है ना, तो ये लीनियर फॉर्म के अंदर है। एक मैंने ले लिया एक कोई शीट ले ली जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो लेंथ और ब्रेथ यानी एरिया एक्सपेंशन की बात कर रहा है इसके अंदर। और वॉल्यूम एक कोई सॉलिड फॉर्म ले लिया मैंने, इस सॉलिड फॉर्म के अंदर अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी जो जो डायमेंशन चेंज देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि लीनियर एक्सपेंशन को एल्फा से डिनोट करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन का जो कॉफिशियंट होता है वो एल्फा होता है, एरिया एक्सपेंशन का जो कॉफिशियंट होता है वो बीटा होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कॉफिशियंट होता है वो गामा होता है। तो इन सॉलिड ऑल टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, लेकिन लिक्विड एंड गैस के अंदर केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन ही अकर्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको, जितने भी सॉलिड है उसमें तीनों तरह के एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस ऐसा है जिसमें केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन ही आपको देखने को मिलता है। अब इसके एक्सपेंशन में जो चीज है फ्रैक्शनल जो चेंज देखने को मिलता है किसी भी बॉडी का वो क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो जो चीज चेंज देखने को मिल रही है अपॉन पहले क्या थी वो इसका क्या हो जाएगा, चेंज क्वांटिटी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज अल्फा एंड बीटा रिलेशन। अल्फा बीटा का मतलब है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर कोफिशिएंट एंड द बीटा इज द एरियल कोफिशिएंट। एरियल कोफिशिएंट यानी जो रेखीय और जो सरफेस जो थिन शीट अगर अवेलेबल होगी उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या चेंज देखने को मिलेगा। लेट अस एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमने कोई शीट ली है और उसकी हर एक साइड को ए ले लिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता ही है ए स्क्वायर होता है, तो यहां पर एरिया क्या आ गया, सरफेस एरिया ए स्क्वायर।
अब अगर इसको अपन कुछ चेंज देखने को करते हैं, तो चेंज देखने को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2a ले लें, तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो चेंज देखने को मिला अपॉन ओरिजिनल इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज देखने को कितना मिला, 2a डेल ए इनटू s, s की जगह हम रख देंगे ओरिजिनल इनटू डेल टी, तो यहां पर आपका ए स्क्वायर, यहां पर ए था, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यू विल गेट 2 डेल ए अपॉन डेल टी। अब आपको ये पता है कि 2 टाइम्स ऑफ ये किसके बराबर होता है, ये आपके बराबर होता है अल्फा के, क्योंकि वो लीनियर क्वांटिटी है, तो अल्फा डेल ए ए और डेल टी, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया बीटा डेट विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। इसी तरीके से अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है ना, वो अपन निकाल सकते हैं अल्फा बीटा और गामा का। तो गामा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है ए क्यू, तो चेंज देखने को मिला तो ये 3a स्क्वायर डेल ए, और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो गामा का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहां पर जैसे हमने वैल्यू पुट करी तो हमें रिलेशन मिला गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा। तो हम अगर यहां पर अगर बात करना चाहें कि अल्फा बीटा और गामा का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, अगर अल्फा को अल्फा ही रखें है ना, बीटा को ट्वाइस ऑफ अल्फा रखें, गामा को थ्राइस ऑफ अल्फा रखें, तो अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों के बीच में रेशियो कितना है, तो तीनों के बीच में रेशियो 1:2:3 का रेशियो होता है। आगे बात करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में, बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी डेल क्यू अपॉन डेल टी, एस क्या है हीट कैपेसिटी है, डेल क्यू क्या है, क्यू इज द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड एंड डेल टी चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी डेल क्यू अपॉन डेल टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड अपॉन मास इन मोल और किलोग्राम चेंज इन द टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिजेक्टेड और एब्जॉर्ब टू द रेज ऑफ द टेम्परेचर पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज टेकन एज पर किलोग्राम और पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे बात करते हैं कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री क्या है, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, के हीट का मेजरमेंट की जो स्टडी की जाती है वो कैलोरीमेट्री कहलाती है, इसे डिवाइस बनाया जाता है जिसको कैलोरीमीटर भी बोलते हैं, तो डिवाइस इन विच द हीट मेजरमेंट कैन बी मेड इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि दी गई और ली गई दोनों अगर बराबर हो जाए एनर्जी, व्हेन टू आइसोलेटेड बॉडी इंटरैक्ट थर्मली द हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द अनदर बॉडी, ये आपका कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है कि जिसने एनर्जी दी और जिसने एनर्जी ली वो दोनों बराबर है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री। नाउ चेंज इन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर को हीट किया तो वो सबसे पहले क्या किस में कन्वर्ट कर होगा, बॉइल होगा, बॉइल होने के बाद में वेपर में बदलेगा। इसी तरीके से वाटर को अगर आपने ठंडा किया तो वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा बर्फ के अंदर, डेट इज द फ्रीज होगा। तो ये प्रोसेस एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, तो टोटल स्टेट कितने होते हैं मैटर के, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस, तो मैटर के तीन स्टेट होते हैं, तीनों स्टेट में एक दूसरे को चेंज करने की बात कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ अनदर इज अनदर इफेक्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट कितना हीट रिलीज कर रहा है, उसके बेसिस पर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आइस लिया सॉलिड और हमने क्या किया, उसको गर्म किया, तो आइस का डायरेक्ट गैस में बदलना एक प्रोसेस है जिसका नाम कहलाता है सब्लिमेशन, गैस का वापस से किसमें बदलना सॉलिड कहलाता है रिवर्स सब्लिमेशन, स्टीम का पुनः किसमें आइस में डायरेक्ट बदल जाना,
सॉलिड का लिक्विड में बदलना कहलाता है मेल्टिंग, और लिक्विड का वापस आइस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। गैस का पानी में बदलना, वाटर में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है, और वापस से वाटर का किस में बदलना? गैस में बदलना इवोपरेशन कहलाता है डायरेक्टली। तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट, तो टोटल कितने स्टेट है? तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनका एक दूसरे में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उनकी कुछ नेमिंग है, इसको ध्यान रखना है, ये कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट। आगे बात कर रहे हैं हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो अभी आपको बताया सॉलिड है, सॉलिड का मेल्ट होकर किसमें बदलता है? वाटर के अंदर। वाटर को और हीट देंगे तो किसमें बदलेगा? इवोपरेशन के जरिए वेपर के अंदर। वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कंडेंसेशन कहलाता है, और कंडेंसेशन से वापस थोड़ा पर ठंडा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? फ्रीजिंग के जरिए आइस के अंदर बदल जाएगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो थर्मोडायनेमिक के अंदर हमने क्या देखा कि एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन व्हेन अ सब्सटेंस मेल्ट और बॉइल्स। हमने क्या देखा कि किसी बर्फ को, सपोज फॉर एग्जांपल आपका आइस है, उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके मध्य जो एटॉमिक इंट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स है उनको तोड़ना पड़ेगा। तो उनको तोड़ने के लिए जो गुप्त रूप से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है ना। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट। द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द needed to change of state, del Q, जूल के अंदर डेटल इक्वल टू एम, कितना उसका भार है इंटू एल। तो आपके पास एल का यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ रहा है, latent specific heat equal to Q upon M। तो जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, वेपराइजेशन की, तो एम इंटू एल लेटेंट हीट हो जाएगी वेपराइजेशन की। जब फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो एल लेटेंट हीट हो जाएगी किसकी? फ्रीजिंग वाले की। नाउ हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीट का जो ट्रांसफर है तीन तरीके से होता है। पहला कहलाता है कंडक्शन, दूसरा कहलाता है कन्वेक्शन, तीसरा कहलाता है थर्मल। अब इन तीनों के अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो बेटा मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन थर्मल रेडिएशन रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कंडक्शन के लिए क्या किया जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरी रोड है, तो रोड पर क्या होगा, एक तरफ से आपने मोमबत्ती की हेल्प से, कैंडल की हेल्प से इसको गर्म किया, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये पूरी रोड गर्म होकर ये वाला दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसके जो पर्टिकुलर जो कण है वो क्या करेंगे, इसकी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके पास वाले जो पार्टिकल उसको दे देते हैं, पास वाला अगले वाले को दे देता है, अगले वाले को दे देता है, ऐसे करके पूरी रॉड गर्म हो जाती है, जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर जो होता है वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करके देता है, ना कि हीट का, ना कि पार्टिकल खुद एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पर लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, कंडक्शन में क्या हो रहा है, देखिए कंडक्शन में क्या हो रहा है कि ये रॉड है, और रॉड क्या कर रहा है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को पार्टिकल को हीट का ट्रांसफर कर रहा है। कन्वेक्शन से आप जैसे सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं, हीट लेते हैं, तो हीट उसको टच नहीं हो रही है लेकिन कन्वेक्शन के जरिए, और रेडिएशन भी आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो देखिए कंडक्शन रेफर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम ड्यू टू अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। इन कॉन्ट्रास्ट द कन्वेक्शन रेफर टू द हीट ट्रांसफर दैट अकर बिटवीन अ सरफेस एंड फ्लूइड व्हेन दे आर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। और थर्मल रेडिएशन रेफर टू द हीट ट्रांसफर दैट अकर बिटवीन द टू सरफेसेस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। रिजल्ट क्या होगा इसका, एनर्जी इमिटेड बाय द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, धीरे 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 पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊष्मा को एक एंड से दूसरे एंड पर भेज रहा है, और ये पूरा की पूरी रॉड एक समय के बाद क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, कभी कभी आपने वाटर को या मिल्क को या आपने गर्म किया होगा, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है, नीचे वाला पार्टिकल एनर्जी लेकर ऊपर जाता है, ऊपर वाला ठंडा पार्टिकल एनर्जी लेने के लिए नीचे जाता है, एनर्जी लेकर वापस ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे करके इस प्रोसेस से सारे के सारे मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं, और गर्म होकर एक समय ऐसा आता है कि पूरा का पूरा पार्टिकल ऊपर की तरफ उफान, जिसे आप बोलते हैं दूध का उबलना, ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन।
इसी तरीके से दो तीनों में कंपैरिजन दिया हुआ है कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो सन से जो एनर्जी अर्थ पर आ रही है, सन और अर्थ के बीच में मीडियम नहीं है फिर भी आ रही है, तो विदाउट मीडियम भी कन्वेक्शन रेडिएशन हो रहा है और हीट को गर्म कर रहा है। तो कंडक्शन, इन कंडक्शन द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट बाई देयर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कन्वेक्शन में द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस विद अ फ्लूइड, और रेडिएशन में रेडिएशन द हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल। इनमें डिफरेंस याद रखना है आपको, द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, इसमें डेंसिटी, इसमें टेक प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। इसके अंदर हीट ट्रांसफर अकर इन ऑल द ऑब्जेक्ट विद टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, देन इट विल अकर। हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ट्रांसफर करता है, कन्वेक्शन थोड़ी फास्ट है और हीट ट्रांसफर रेडिएशन भी फास्टेस्ट है। हीट ट्रांसफर अकर थ्रू अ हीटेड सॉलिड ऑब्जेक्ट, हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हीट ट्रांसफर बिटवीन द एयर एंड वॉटर, हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा का रेशियो पूछा जाता है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, कन्वेक्शन यानी किसी भी मैटर को गर्म करने के मेथड, थर्मल के जो एक्सपेंशन के जो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों के कंपेरिजन पूछा जाता है। अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए, जितने भी 11th के बच्चे हैं इस साल 11th क्लास में बैठे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे इस BIAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, जिसमें आपको 11th 12th आने वाले 12th का भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और हमारा BIAS का एप्लीकेशन भी है, उसे भी आपको इस लेक्चर वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप उसको रजिस्टर करके उस ऐप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर भी हमारा सारा सब कुछ मटेरियल विद PDF आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। नॉमिनल फीस अवेलेबल है, नॉमिनल फीस पर आप इसको आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए हमसे, ज्यादा से ज्यादा बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए। थैंक यू।